हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी को आप घर पर कैसे लेंगे, इसके इंडिकेशन के बारे में आपको बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का वर्किंग मैकेनिज़म क्या होता है और जब अगर आपको पेन है तो आपको किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी यूज़ करनी है, अगर आपको इडीमा है यानी कि सूजन है तो किस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी यूज़ करेंगे, क्योंकि पेन मैनेजमेंट में और इडीमा के अंदर यानी कि सूजन के अंदर कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के अंदर हमें दो चीज़ें की नीड लगती है। पहली चीज़, आपके पास दो टब होने चाहिए जिसमें आप हॉट वाटर लेंगे और एक में कोल्ड वाटर लेंगे। हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40-45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 10-15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। पेशेंट के अफेक्टेड लिम्ब को इस हॉट एंड कोल्ड वाटर में हम किसी ड्यूरेशन के लिए डिप करते हैं अफेक्टेड लिम्ब को। तो जब आप हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हॉट वाटर के अंदर 3 मिनट्स तक आपको अपने लिम्ब को या जिस पार्ट को आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी देना चाहते हैं उसको 3 मिनट के लिए डिप करके रखना होता है। फिर उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए कोल्ड वाटर के अंदर आपको उस लिम्ब को ही डिप करके रखना रहता है, यानी कि 3:1 का जो रेशियो है, यानी कि 3 मिनट हॉट वाटर में और 1 मिनट कोल्ड वाटर में आपको रखना होता है। इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी लेते हैं। दोस्तों, इस थेरेपी का इस्तेमाल करने से पहले आपको हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आपको पेन हो रहा है तो आप किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे और जब आपको एडिमा रिड्यूस करना है तो किस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का मेनली हम यूज़ करते हैं पेन को कम करने में और एडिमा को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो जब अगर आप पेन के लिए कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप स्टार्ट करेंगे हॉट वाटर के अंदर और इसको एंड करेंगे हॉट वाटर के अंदर, यानी कि 3 मिनट्स आपने हॉट वाटर में रखा, फिर 1 मिनट कोल्ड वाटर, फिर वापस 3 मिनट हॉट वाटर, फिर कोल्ड वाटर। तो इस तरीके से आप जब इस ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे तो हॉट वाटर से स्टार्ट करेंगे और हॉट वाटर पर ही ख़त्म करेंगे जब आपको पेन मैनेजमेंट करना हो। अब बात करते हैं कि जब आपको एडिमा को रिड्यूस करना है तो आप पहले स्टार्ट करेंगे कोल्ड वाटर से और उसके बाद आप एंड भी करेंगे कोल्ड वाटर पर। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि इसका वर्किंग मैकेनिज़म क्या होता है। दोस्तों, इसके जो वर्किंग मैकेनिज़म है कि जब आप अल्टरेशन बेसिस पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के अंदर अपने अफेक्टेड लिम्ब को डिप करते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन होता है अल्टरेशन पर, जिससे क्या होता है कि एडिमा रिड्यूस होता है और सेंसरी स्टिमुलेशन के अंदर जैसे जब अल्टरेशन में हॉट एंड कोल्ड यानी कि सडन टेम्परेचर जो चेंज आता है उसकी वजह से पेन गेट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और पेन रिड्यूस करने में कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी आपको मदद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या है, कब हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई ट्रोमा होता है और उसके रिलेटेड जो पेन होता है उसमें आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोनिक पेन के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आई और उसकी वजह से जो पेन हो रहा हो उसमें आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिमा को रिड्यूस करने के लिए भी आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पेरीवेस्कुलर डिजीज़ हैं उस केस में आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस है, अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारा जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करने से आपको बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो इस केस में भी आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपको आर्टेरियल इंसफिशियंसी है उस केस में भी आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको बताया कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी क्या होती है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि जब आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी शुरू कर रहे हैं
तो जिस पार्ट को आप डिप करने वाले हैं वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के अंदर, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको पहले स्किन सेंसिटिविटी चेक करनी है, अगर कोई घाव आपको हो रखा है तो उस लिम्ब को भी या उस पार्ट को भी आपको इस हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में नहीं डालना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया हॉट वाटर और कोल्ड वाटर यानी कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी, अल्टरेशन ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर थेरेपी को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।